तुम्हें पता मैं कभी डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। नहीं, तेरी पब्लिक में जाने से बहुत ज्यादा फटती है। हाँ, पर नहीं, तेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट लोगों की लाइफ बोरिंग ही होती है। बुक पढ़ना बोरिंग होता है? बट कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके बोरिंग से बोरिंग लाइफ भी किसी सिनेमैटिक मास्टरपीस से कम नहीं रहेगी। बट इससे पहले मैं आपको वो बताऊं, ये है आम जिंदगी। आपको भी अभी पता चल गया। तो क्या है वो राज जिससे आपकी बोरिंग कहानियां भी इंटरेस्टिंग बन जाएंगी? सिंपली बोलूं तो इट्स लाइंग, झूठ बोलना। क्योंकि शायद आपकी कहानी ऑलरेडी काफी अच्छी है, बट ऑल इट नीड्स इज दैट यू नो लिटिल पुश। तो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कभी कभी कुछ सिंपल सीन्स को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना अलाउड है। जैसा जो होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा सब दिखता है वैसा होता नहीं। समझ रहे हो? मैंने सच में कॉफी का कप नहीं तोड़ा, मेरी माँ मुझे मार देती, ये भी झूठ बोला गया है आपको। अब देखो, झूठ बोलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि फेक कंटेंट बनाओ और अपनी ऑडियंस को धोखा दो, बट ये मतलब है कि शायद एक केओटिक रैंडम व्लॉग में कुछ सीन स्क्रिप्ट कर लो, कुछ सीन्स ऐड कर लो जो आपकी कहानी को बेटर तरीके से बता पाए। ज्यादातर लोगों की आम जिंदगी सेम सी ही होती है। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, काम पे जाते हैं, रात को सो जाते हैं। बट इसी चीज पे अगर थोड़ा सा झूठ का मसाला डालो तो यही बोरिंग चीजें थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई जा सकती हैं, थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताई जा सकती हैं। पर ध्यान रहे, झूठ का मसाला किसी भी मसाले के जैसे ध्यान से यूज करना, क्योंकि ज्यादा डल गया तो कुछ लोग शायद सह ना पाए। बट बातें एक तरफ, इसको रियल वर्ल्ड में यूज करके देखते हैं। पर उससे पहले ये सीन देख लो एक बार। तो गाइस, अभी बज रहे दोपहर के 2 और काम करते करते मेरी बैंड बज गई है और मुझे लग रही है भूख। तो मैं जा रहा हूँ किचन में, कुछ टोस्ट वोस्ट बनाऊंगा खा के, फिर वापस काम करेंगे। तो भाई ये कर लो बात, एक ही ब्रेड का स्लाइस बचा है, ये नहीं खाना भाई मेरे को, कुछ और ही देखता हूँ। तो दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं, ये वीडियो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने हफ्ते भर से कुछ खाया ही नहीं है। भाई प्लीज कोई कुछ खाने के लिए दे दो, घर पे कुछ खाने को नहीं है। एक स्लाइस ब्रेड का मैं अचार डालूं क्या? भाई तू तो शेयर कर ले मेरे साथ, प्लीज भूख लगी है, एक दे दे प्लीज। अब ये जो वर्ड है कंटेंट क्रिएटर, एक सेकंड के लिए क्रिएटर वर्ड पे ध्यान दो, इसका मतलब ही है टू क्रिएट समथिंग, जो है उसको लेके कुछ नया बनाना। अब जहां एक तरफ डॉक्यूमेंट्री जैसी मूवीज रहती है जहां सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज भी है जहां कंटेंट क्रिएट किया जाता है। हर कंटेंट पे शायद ये झूठ का मसाला ना अप्लाई हो, बट आप अपने लिए देखिए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि चाहे आप एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हो, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, या फिर अपनी वीडियो में सिर्फ एक इमोशन क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसा डाल रहे हो जो शायद ऑलरेडी वहां नहीं था, जिससे अभी वाली कहानी बेटर हो जाए, ज्यादा फील देते हैं। अब मेरे हिसाब से कोई भी कंटेंट बनाते टाइम 4 ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर आप थोड़ा सा भी झूठ का मसाला डाल दो तो आपका ओवरऑल कंटेंट, उसकी स्टोरी टेलिंग और आपकी ऑडियंस का एक्सपीरियंस मच बेटर हो जाएगा। और इसे करना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा आसान है, उतना ही आसान जितना होस्टिंगर पे एक वेबसाइट बनाना। आज के टाइम पे हैविंग अ गुड वेबसाइट इज अ मस्ट, चाहे एक पोर्टफोलियो बनाना हो या फिर एक स्टोर लॉन्च करना हो, एक अच्छी वेबसाइट बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपनी अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हो, स्टार्ट बाय गोइंग टू होस्टिंगर। होस्टिंगर ना ही सिर्फ आपको इंडिया में अफोर्डेबल प्रीमियम प्लान देता है, बट साथ साथ में आपको एक फ्री डोमेन और एक फ्री ईमेल भी देता है, जो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। इनके डेटा सेंटर्स इंडिया में ही है, तो स्पीड, रिलायबिलिटी और अपटाइम इनके हमेशा टॉप नॉच रहते हैं। और अगर ये प्लान्स ऑलरेडी अफोर्डेबल नहीं लग रहे
रहे थे तो चेकआउट के टाइम पे कूपन कोड अंगद यूज करो और 10% और ऑफ मिल जाएगा। होस्टिंगर मेक्स मेकिंग अ वेबसाइट रियली इजी। जिसको वेबसाइट नहीं भी बनानी आती कैन गेट अप एंड रनिंग रियली रियली सून। गो ट्राई इट राइट नाउ, नहीं पसंद आया 30-day मनी बैक गारंटी है। चेक इट आउट राइट नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब आपकी वीडियो की राइटिंग या फिर सिंपली इसको स्क्रिप्ट बुलाते हैं, डिसाइड करते हैं वीडियो के अंदर क्या बोला जाएगा और क्या दिखाया जाएगा। अब देखो, अपनी स्क्रिप्ट में आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी कहानी है। बट इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करके कहानी नेक्स्ट लेवल चली जाएगी स्क्रिप्ट के मामले में। और पहली चीज है, वेट फॉर इट, सस्पेंस। हम सबको पसंद है मर्डर मिस्ट्रीज, हम सबको पसंद है थ्रिलर मूवीज, हम सबको सस्पेंस पसंद है। क्योंकि अगर आगे कुछ होने वाला है और हमें नहीं पता क्या, तो वी वेट टू वॉच इट, और ये हमारी कहानी को भी काफी बेटर बनाता है। और दूसरी चीज है ह्यूमर गाइस, क्योंकि सबको हंसना पसंद है। अब जो आपने अपनी स्क्रिप्ट में झूठ बोला है उसको कैमरा ऑन करके फिल्म करने का टाइम आ चुका है। और फिल्मिंग के टाइम पे तो हम ऐसे झूठ बोलने वाले हैं जिससे आपका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। जैसे कि बिना खिड़की के कमरे में भी एक खिड़की डाल देना। अगर आप भी अपनी वीडियो में एक फेक खिड़की बनाना चाहते तो वही करो जो हमने किया, जो ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ एक मिरर के ऊपर बहुत तेज लाइट मारी हुई है और उसकी रिफ्लेक्शन को हम एज अ विंडो यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर अपने कैमरा एंगल्स को सही यूज करो तो आपका कैमरा भी एक कुत्ता बन सकता है। कम हियर, आजा 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 आजा, यस गुड बॉय गुड बॉय। और इन्हीं कैमरा एंगल्स को यूज करके आप अपने 6 फुट के दोस्त को भी एकदम छोटू सा दिखा सकते हो। अब देखो, मैं पहला यूट्यूबर नहीं हूं जो आपको बताने वाला कि आपकी वीडियो में म्यूजिक और साउंड इफेक्ट जरूरी है, और डेफिनेटली आखिरी भी नहीं रहने वाला। मगर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को अच्छी तरीके से यूज करके आप अपनी वीडियोस में वो चीजें डाल सकते हो जो आप डालना तो चाहते हो बट असली में कभी थी ही नहीं। वीडियो में गंजी चुड़ैल चाहिए, आ जाएगी। इनफैक्ट अगर आप साउंड और लाइट की पावर साथ में यूज करो तो बिना थॉर बने भी आप बिजली चमका सकते हो। पर इस स्किल को ध्यान से यूज करना, ये इतनी ओवर पावर्ड है कि ज्यादा करोगे तो घर पे पुलिस आ जाएगी। अब अगर आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक जुड़वा भाई है। क्या मतलब मैं असली नहीं हूं? इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो एडिटिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। ये जो नाइट का सीन है, ये नाइट को फिल्म ही नहीं हुआ, ये शाम को फिल्म किया था हमने, और बस थोड़ा सा एडिटिंग का और कलर ग्रेडिंग का जादू है इस पे। क्या तुम्हें लगा स्क्रीन पे 10 days लेटर लिखा है तो मैं 10 दिन बाद आऊंगा? लगता है तुम अभी भी वीडियो का पॉइंट नहीं समझे, क्योंकि ये भी